हे गाइस, अभी हम हैं वाटरफॉल पे जहाँ पे मैं आया हूँ। अमृत धारा इसे कहते हैं, जो कि बर्तुंगा से करीब 35 किलोमीटर दूर है। तो यारो मेरे तारे स्वागत है आपका इस नज़ारे में। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। पूरा जो है पहाड़ पे है ये एकदम बिल्कुल, और चट्टाने बनी हुई है। ये नीचे खाई है, इधर जाना सही नहीं है। और दिखाते हैं, ये है ब्यूटी नीचे की अमृत धारा। बहुत ही कूल लग रहा है, किनारे जाना मतलब डर ही लग रहा है, लेकिन बहुत सही है। और हम लोगों ने एंट्री की थी उधर से, तो यहाँ पे अभी आपको बैक कैमरा से भी और सब दिखाता हूँ। ये रहा वाटरफॉल हो रहा है, कि बहुत ही कूल लग रहा है। नीचे पूरा खाई है, पत्थर बहुत गहरा है। आपको लग रहा होगा गहरा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा गहरा है। बहुत सही लग रहा है यहाँ। ऐसे मैं एरिया पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ घूमने के लिए, तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कूल लग रहा है, मज़ा आ गया यार इसमें। आप भी यहाँ पे आइए कभी, चिरमिरी में अमृत धारा। मैं लोकेशन दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे आ सकते हैं। एंड द ब्यूटी इज़ नियर यू। देखा आप लोगों ने, ऐसे हम लोगों ने सुबह सुबह बहुत ही आया है, जगह के तुरंत लेते हैं नाश्ता किया और यहाँ पे घूमने के लिए। दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से पूरा। तो ये है वाटरफॉल अमृत धारा चिरमिरी में। सो गाइज, अभी हमने इस लोकेशन में मतलब शूटिंग की है, फ़ोटोज़ ली हैं, तो वो इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे लिख के आ रहा होगा, parvez.15, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लीजिए। आगे चलने के बाद कुछ नई नई चीज़ें भी दिख रही हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ से फॉल की शुरुआत हुई, जो फॉल हो रहा है वाटर की, वो शुरुआत हुई है यहाँ से। कूल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कूल है, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं बहुत सारा, हम भी नहा सकते हैं मगर साथ में कपड़े लेके नहीं आए तो नहीं नहाएंगे, वरना फिर नंगे वापस नहीं जाना हमें घर। इधर है पानी, तो हम जूते हाथ में लेके और चल के जाएंगे। चल के अभी हम जा रहे हैं उधर, क्योंकि पीछे पानी है तो हमें अपना जूता निकालना पड़ा है। और जूता निकाल के अब जूता ये हाथ में, और देखते हैं अंदर, घूमेंगे आराम से और दिखाते हैं आपको भी नज़ारे। तो इधर पूरा मतलब कूल है बिल्कुल, उसके पीछे भी है वाटरफॉल, तो वहाँ तक अगर पॉसिबल है तो हम जाएंगे। और संभल के उधर से चल, उधर से चल। एक मिनट और ऊपर कर ले, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है।
बहुत ही मेहनत के बाद पहुँचे हैं यहाँ पे एक पत्थर पे, और उधर पूरा पानी पानी है चारों तरफ जहाँ पे हम हैं। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए इसी बात पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए साथ साथ। बहुत ही कूल लग रहा है गाइस, अमृत दराज गिरते गिरते बच जा रहे हैं यार, क्या बताए। और इधर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ट्रैकिंग करने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, बहुत सारे लोग देखे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको जैसा दिख रहा होगा नहाते हैं पिकनिक मनाते हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुकिंग हो रही है, जो लोगों को रख लिया जाता है, और ऐसे है बाकी लोग फॉरेस्ट के अंदर भी जाते हैं, बिल्कुल एक आइलैंड की तरह है बिल्कुल। यहाँ पे अपने एक बाइक धो रहे हैं कोई हैं, देखिए ये। अब हम यहाँ से निकलने की ट्राई कर रहे हैं, और अब जाएंगे सीधा ऊपर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी अब डाउन हो रही है, तो ब्लॉगिंग बंद करूँगा। मात्र 3% बचा है, कैसे करके चल जाए, उसके बाद तो फ़ोन डेथ होने वाला है, ब्लॉगिंग सारी रुक जाएगी। तो राइट नाउ तो ज़्यादा यहाँ पे काई है। सो गाइस, ये ब्लॉग इसको यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलूँगा नए ब्लॉग के साथ, नए कूल एरिया के साथ घूमने वाले। ओके गाइस, शुक्रान, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।